लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काका, तो हर कथा सुनकर हमारी आँखें में भी पानी आएगा, पर काका हमारी बात का बुरा मत मानना, ये सब तो हर खोटी बुद्धि के कारण हुआ है। कातों का भगवान पे भी भरोसा ना रहा। हमार बात मान ले काका, ये दुर्गा माँ के सामने सौगंध खाओ, आज के बाद तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। काका, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। सोचा था कि इज्जत से अपनी बेटी की डोली उठाकर अपने इस पापी जीवन का अंत कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब यह सोचता हूं कि मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकोगे? काका का। देखो, मैं विनती करता हूं, इनकार मत करना। तुम्हारे गले में पड़ी हुई दुर्गा मां की सौगंध, मैं तुमसे कोई पाप का काम नहीं करवाऊंगा। पर पाप का है काका, हमका बताओ तो। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर जाकर मेरी पत्नी और बेटी की देखभाल करोगे। तो ठीक है काका, पर बात ही है कि हम तो इस शहर में अपने भैया को ढूंढने आए, वो बचपन में ही हमसे बिछड़ गया था। देखो, इतने बड़े शहर में तुम्हारा भाई एक दो दिन में तो मिलेगा नहीं, मेरे घर में रहो, ठिकाना भी हो जाएगा, आराम से अपने भाई को ढूंढना। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरी पत्नी तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेगी, मैं विश्वास। तनिक तनिक ठहरा काका, तनिक ठहरा। ये समस्या हमार दुर्गा माँ ही सुलझाएगी, हम दुर्गा माँ से पूछे बगैर भोजन भी नहीं करत है। ये देखा, जो दुर्गा माँ हमार ओर देखेगी तो हम तुहार बात पे राजी नहीं, जो दुर्गा माँ तुहार ओर देखेगी तो हम तुहार बात पे राजी। मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर है। दुर्गा माँ, काका दुर्गा माँ की आज्ञा तो हो ही गई, हम कोतवाली से छूटते ही तुहार घर पहुंच जाएंगे। पर काका, तुहार पत्नी हमका पहचानेगी? हाँ ठहरो, ये लो मेरी निशानी, मेरी पत्नी इसे देखते ही जान जाएगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसे सब कुछ समझा देना और कह देना कि मेरी चिंता ना करे। ठीक है काका, बचपन से हम मयो के प्यार को तरसते रहे, इस बहाने हमका मयो भी मिल जाएगी। ओके मालकिन। अब बताओ क्या बात है? ई का पहचाना? ये अंगूठी? ये तो उनकी है। तुम्हें कहां से मिली? ये हमका काका ने दी थी, हम उनका खास आदमी है, काका ने हमसे वचन लिया हम तोरी सेवा करें, सो हम यहाँ आ गए। लेकिन वो है कहाँ? खबर बहुत बुरी है मैयो, बता तू, ये दुख होवत है, वो कोतवाली में बंद है, बहुत कठिनाई में। हाय राम, इसका मुझे डर था ना? काश कि उन्होंने मेरी बात मान ली होती, उसी में पहलाई थी। तो हर बात तो ठीक है मैयो, पर भाग का लिखा कौन मिटा सकता है? क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैं सुहागन होते हुए भी सुआंगरा जा रही हूँ, मेरी बेटी बाप होते हुए भी बाप के प्यार को तरस रही है। ये काम मैयो, तूने फिर रोना शुरू कर दिया, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा,
काका बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर हम उनका कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करने देंगे, सब इज्जत से रहेंगे। तब तक जीते रहो बेटा, जीते रहो। कितना अच्छा लगता है मैया, आज बरसों के बाद हमका किसी ने बेटा। बहुत थक गए होगे, जाके स्नान कर लो। हाँ ये ठीक कहा, भोजन से पहले स्नान करना बहुत जरूरी। अंग्रेजी फैशन की मटकी में तुड़ी चुल्लू पानी, ना इससे हमारा काम ना बने। करती हूँ। मेरी पिंटो कहाँ हो तुम सब लोग? मम्मी मम्मी ओफो, तुम्हें घर की कोई खबर भी रहती है? घर में एक बदमाश घुसाया है। दीवानी हो गई है क्या? वो बदमाश नहीं, मेहमान है। मेहमान? किसका मेहमान? अरे हमारा मेहमान। मम्मी तुम उस जाहिल गंवार की बात कर रही हो जो मेरे बाथरूम में नहा रहा है। आहिस्ता बात कर निशा, वो हमारा सगा संबंधी है, गांव से आया है, इसीलिए उसकी सारी आदतें गांव वालों जैसी हैं। तुम्हारे साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सगा संबंधी मेरे साथ रहकर ठीक हो जाएगा? ये सब क्या चक्कर? पिकनिक पे गई थी, काफी भीगी होगी, अब सर्दी हो गई है,
जरूर बीमार होगी। बीमार तो मैं उसे देखते ही पड़ गई, पर अब तो मेरा दिमाग भी फटने वाला है। देखो मम्मी, मुझे जल्दी से समझा दो, ये हमारा सगा संबंधी कौन है और अब क्यों है, और अगर है भी तो उसे हमारे घर के अंदर वो भी मेरे बाथरूम में क्यों घुसाया है। ठीक है पिंटो। यस मिसी बाबा। देखो उस जाहिल गवर को नौकरों के क्वार्टर्स में बंधवा दो, समझे? अंडरस्टैंड। नहीं तो कल सुबह मैं तुम्हें बांधूंगी। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड पिंटो। यस मालकिन। तुम कहाँ जा रहे हो? उस जंगली जानवर को बांधने। अरे उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जाओ तुम काम करो, खाना लगाओ। सा रिवाज है गांव में तो सब जमीन पे बैठ के खावत है। गांव की बातें भूल जा बेटे और अपने आप को बदलने की कोशिश कर। ये जाहिल कमार क्या बदलेगा? नहीं निशा, ऐसी बातें नहीं करते, घर आए हुए मेहमानों की बेइज्जती नहीं किया करते। जसू तुम खाओ बेटे। हाँ भोजन तो हम जरूर करेंगे, पर तुम कहाँ जाओ तुम्हें? आज मेरा उपवास है, मैं पूजा करूंगी। हाँ एक्सक्यूज मी। पेटू पेटू है? अब उनका नाम पेटू नहीं पिंटो डी कास्टा है। हाँ यू वांट मोर? नो थैंक यू। ये कहाँ है? इसे सूप कहते हैं। हाँ ला पूरा ही रख दे। खाए की चीज़ है? जी नहीं, ये देखने और सूंघने की चीज है। जसू ब्रदर पीने की चीज है। हाँ काढ़ा है, शहरी काढ़ा है सबजीन। ओह नो, ये सुसरा तो एकदम फीका है। पिंटो yes. जस्सू साहब को मिर्चे पेश करो। यस मैम। जिससे नाम पुकारा जस्सू साहब। अरे तनिक और डालो ना, हमको तेज खाने की आदत है। पिंटो सूप यहाँ लाओ। उधर हम अपने हाथ से मिर्ची डालेंगे। हाँ। तनिक और तनिक और जरूर। बस बस अब मजा आएगा। पेश करो। रख दे रख दे। ये हुई ना बात। अरे मर गवा, अरे मर गवा। पेटू पेटू ने पिंटू मारे ला। पानी 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 अरे पानी लो पानी 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 आया मिर्चियों का मजा। गुड़ थैंक यू गुड़। गुड़ खाने के लिए गांव जाना पड़ेगा, यही मौका है, बोरिया बिस्तर गोल कर लो। नाहे हम नाहे जा नाहे जाओ। अरे गुड़ पिंटो। यस नो गुड़। अरे मैं मर गया। गुड़ गुड़ गुड़। हम तुमको एक टाइम बोल दिया ना, गुड़ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। शक्कर पर तुम इतना मिर्ची काहे को खाया? मैं घोड़े के माफक हिचकी मारता है, हिचकी मारता है, खाली पीली हमको भी परेशान करता है, लफड़े में डालता है। मेरी शक्कर दो, ये दो, वो दो, लो शक्कर। ओके ओके ये खाओ, इसके खाने से तुम्हारा हिचकी बंद हो जाएगा।
Oh God, what a character! Hey man, क्या करता है? हमारा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। यो। Oh God। अरे तेरी? हाँ। कहाँ जा रही है? घर को जाता है सोने के वास्ते। अरे इतनी रात गई अकेली कैसे जाएगी? यही सोचा हमारे संग। What? तुम पागल तो नहीं हो गया मैं? हम तुम्हारे साथ इधर कैसे सोने को सकता? जा, जाके मुंह धो और तुम जाके सो जाओ। Good night। Oh God। छोरी नाराज हो गई। तनिक रुक जा तनिक। कहाँ है के बदले सारे कष्ट हमका दे दो। इनका सदा सुखी रखो। तेरी लीला अपरंपार है मैया। हमरी बिनती सुन लो मैया। हमरी बिनती सुन लो मैया। हमरी बिनती सुन लो मैया। मुन्ना पर अब तो तू बड़ा हुए गवाह होगा। कहाँ ढूंढे तुझे? कहाँ होगा तू? क्या बात है माँ, जब भी ये दिन आता है तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रोती हो? वक्त तो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। ये कैसा जख्म है जो आज तक नहीं भर पाया? ये जानने से पहले तू वचन दे राजू कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। मैं वचन देता हूँ माँ। तो सुन, आज के दिन एक जालिम ने तेरे पिताजी को जान से मार डाला था। वो चीखते रहे, तड़पते रहे, जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन उसे तरस नहीं आया। आज 18 साल से उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं, मेरे सीने में इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। माँ, मैं कसम खाता हूँ उस पापी बेरहम जालिम को मैं जिंदा चला दूंगा। बता कौन है वो? बेटा मुझे डर है कहीं कातिल का नाम सुन के तू अपना वचन ना हार जाए। राजपूत जान हारते हैं वचन नहीं। बताओ माँ कातिल कौन है? भूप सिंह। कौन भूप सिंह? निशा का बाप। वो तो मर चुका है। नहीं, जेल में सजा काट रहा है। मैं चाहती हूँ जिस तरह से उसने मेरी मांग उजाड़ी है भी उसका घर उजाड़ दे ताकि वो मेरी तरह जलता रहे, सुलगता रहे। बोल, तू ऐसे कर सकेगा? माँ। राजेश, एक तरफ वचन की भारी जंजीर है और दूसरी तरफ प्यार की नाजुक डोरी। तू किसे काटेगा, किसे तोड़ेगा? तुम्हारे खून की कसम माँ, पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाना मेरा धर्म है और अपने धर्म का पालन करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन